So now we will start our chapter, Mangoes Round the Year, Part 2. Now in this part, we will see how the food gets spoiled. BG returned the bread. BG जो थी उन्होंने bread को return किया. Aman's BG went to the market to buy bread. Aman की जो BG थी वो market गई bread लाने. The shop was very crowded. Shop में बहुत भीड़ थी. The shopkeeper picked up a packet of bread and gave it to BG. उसने एक packet लिया और BG को दे दिया. She looked at it and returned it immediately. उन्होंने जैसे ही packet देखा उन्होंने उसको तुरंत ही वापस लौटा दिया. Look at the picture of the bread packet here and guess why BG returned it. अब देखिए ये पिक्चर देखिए आप और पिक्चर देख के आपको बताना है कि BG ने इसको क्यों रिटर्न किया. How did she find that bread had got spoiled? उनको कैसे पता चला कि ब्रेड खराब हो गया. We can clearly see the green spots on the bread slices in the picture. आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ये ग्रीन कलर के स्पॉट्स देख रहे हैं. ये ग्रीन कलर के स्पॉट्स हैं. इसको देखकर ही BG को समझ में आ गया कि ये जो कलर चेंज हो रहा है ये हमने इसके पहले भी वीडियो में देखा कि जो कलर चेंज होता है फूड का दैट इज द रीजन फॉर द स्पॉइलेज ऑफ फूड. तो ये कलर चेंज देखा तो उनको समझ में आ गया कि ये ब्रेड जो है वो क्या हो गई है खराब हो गई है. Thus BG would have observed these green spots and returned it to shopkeeper. Now next how did she find the bread had got spoiled? ये इस दोनों इसके आंसर ठीक है. अब देखिए ये जो खराब हुई है ब्रेड इसके पीछे क्या कारण है. इसके पीछे कारण है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एयर में ट्रैवल करते हैं जिनको कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए होता है. तो ये हवा में घूमते रहते हैं. जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है जैसे कि कोई खाने की चीज मिल गई जहाँ ह्यूमिडिटी है प्रॉपर वार्मथ है तो वहां पर ये ग्रो करके उसको खराब कर देते हैं. जनरली आप देखिए अलग अलग तरह के होते हैं. वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं. तो मेन जो ब्रेड जो खराब हुई है उसके पीछे का मेन कारण होता है फंजाई. और ये ब्रेड माउल्ड होते हैं. देखिए ये इस तरीके का ये फंगस लगा हुआ है ब्रेड में. और ये जो स्पोर्स होते हैं ये स्पोर्स हवा में उड़ते रहते हैं. जब इनको ब्रेड मिल जाती है या कोई ऐसी चीज मिलती है जिस पर कि ये पनप सकते हैं ये उस पर जाकर पनप जाते हैं. नेक्स्ट लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स. व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट. व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट यू डू लुक ऑन द पैकेट. मतलब अगर आपको 2-3 पैकेट देते हैं देखते हैं उसमें क्या क्या लिखा हुआ है. जैसे सबसे पहले देखिए ये अमूल प्योर घी लिखा हुआ है ठीक है. इसे पैकेट है. इसके ऊपर और क्या चीज है. इस पर देखिए ये डेट लिखी है 1 जनवरी 2020. इस पे इसका प्राइस लिखा है ठीक है. और ये कब बना है, इस कब बना है और ये कब तक यूज किया जा सकता है ठीक है. तो ये सारा चीज जो है वो आपको पैकेट में दिखाई पड़ता है. जब आप पैकेट लेते हैं तो आप उसको देखते हैं. अब जैसे ये चॉकलेट है तो देखिए इसमें न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन भी है. इसमें कितनी एनर्जी है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है. साथ ही साथ बेस्ट बिफोर. बेस्ट बिफोर मतलब इसको हम कब तक खा सकते हैं, मतलब ये इसकी एक्सपायरी डेट है. अगर हम कोई चीज मार्केट से लाते हैं वो एक्सपायर हो जाती है तो उसको हमको नहीं खाना चाहिए. ऐसे ही हम और क्या देखते हैं. देखिए ये वाला एक पैकेट है. इसमें देखिए ये ग्रीन कलर का सिंबल है. ये ग्रीन कलर का सिंबल ये बताता है कि ये जो आइटम है ये प्योर वेजिटेरियन है. इसमें कोई भी नॉनवेज का आइटम यूज नहीं किया गया. और इसी की जगह पर अगर कोई नॉनवेज चीज होती है तो उसके ऊपर ये रेड कलर का निशान होता है. और ये मैंडेटरी है, मतलब ये कंपलसरी है ये निशान होना कि वेदर इट इज वेज और नॉन वेज. अगर किसी के ऊपर ऐसा ब्लैक कलर के में एक्स लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कि वो फूड जो है वो हमारी कंजम्पशन के लिए नहीं है. तो ये बहुत अलग अलग तरह के रैपर्स होते हैं सब में अलग अलग. तो आप मेन डेट देखते हैं, प्राइस देखते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं वेदर इट इज वेज और नॉन वेज. तो चलिए हम इनके आंसर्स देखते हैं. पहला आंसर हम क्या क्या देखते हैं. प्राइस देखते हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं, वेट देखते हैं और इंग्रेडिएंट. वेट मतलब कितना है ये इसका वेट. और इंग्रेडिएंट्स देखते हैं मतलब इसमें क्या क्या चीजें हैं. नेक्स्ट आप जब मार्केट जाते हैं तो आप क्या देखते हैं. जब हम मार्केट जाते हैं तो हम प्राइस हम भी वही देखते हैं. प्राइस, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, वेट, इंग्रेडिएंट और साथ साथ में हम एक चीज और देखते हैं ब्रांड नेम. ये किस ब्रांड का है. जैसे हम सोप लेने गए तो पियर्स का है, लक्स का है. तो हम ये सारी चीजें देखते हैं. अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट है जो क्लास के बच्चे कर सकते हैं. देखिए हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड. इसमें हमको प्रोसेस देखना है कि धीरे धीरे कैसे ब्रेड जो है वो स्पॉइल हो रही है. द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट. आप सब कर सकते हैं. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी. या तो एक पीस ब्रेड का लीजिए या रोटी. उसके ऊपर क्या करिए, कुछ ड्रॉप पानी के डाल दीजिए. स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर. और उसको एक क्लोज डोर बॉक्स में बंद करिए जहां पर कि सन की रोशनी नहीं आती, क्योंकि सन की हीट से भी कभी कोई माइक्रोब डेवलप नहीं होते हैं. सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस.
उसको रोज देखिए जब तक कि आपको उसमें चेंजेस ना दिखे। मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन द रॉ। आप इसकी चार्ट बनाइए। देखिए यहाँ ब्रेड पर ये फंगस लगना स्टार्ट हो गई है। ऐसा टच पेपर आपको बनाना है जिसमें कि आपको पता चले कि टच करने पर, स्मेल करने पर, या उसको हैंड लेंस से देखने पर, या कलर पर, जैसे डे वन में क्या चेंज हुआ, डे टू में क्या चेंज हुआ। तो अभी हमने जैसे इसका एक एक्सपेरिमेंट का देखिए, इसका रिपोर्ट एक बना के रखा हुआ है। डे वन में टच किया तो वो स्टिकी और सॉफ्ट थी, चिपचिपी थी, उसमें से हल्की स्मेल आ रही थी, लेंस में देखने पे वो नॉर्मल थी और कलर भी नॉर्मल था। दूसरे दिन भी वो स्टिकी थी और सॉफ्ट थी, उसमें से हल्की लाइट स्टिंकिंग मतलब हल्की स्मेल आ रही थी, लेकिन उसके ऊपर एक थिन व्हाइट लेयर बन गया था और कलर जो था वो हल्का सा व्हाइट हो गया था। तीसरे दिन वो मॉइस्ट थी और सॉफ्ट थी, मतलब वो इसमें नमी थी और वो सॉफ्ट थी, लेकिन स्मेल जो थी वो पंजेंट थी, तीखी स्मेल आ रही थी। एक थिन व्हाइट लेयर बन गया था और कलर उसका प्रॉपरली व्हाइट हो गया था। चौथे दिन क्या हुआ, चौथे दिन भी वो मॉइस्ट और सॉफ्ट थी, पंजेंट स्मेल थी, अब जो कलर था वो ग्रीनिश व्हाइट कलर का स्मॉल ग्रास लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर दिख रहा था, हम लेंस से देखेंगे तो, और उसका कलर ग्रीनिश व्हाइट था। पांचवें दिन भी मॉइस्ट और सॉफ्ट थी, स्मेल पंजेंट थी, ग्रीनिश व्हाइट कलर स्ट्रक्चर था और ग्रीनिश व्हाइट कलर था। छठवें दिन मॉइस्ट कलर, मॉइस्ट और सॉफ्ट थी, पंजेंट स्मेल थी, और ये जो ग्रीनिश व्हाइट था अब ग्रीनिश ब्लैक में कन्वर्ट हो गया है, और हम जब लेंस से देखेंगे तो हमको वैसे ही ग्रास लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले दिखाया था वैसा दिखाई पड़ेगा और इसका कलर ग्रीनिश ब्लैक हो जाएगा। फाइंड आउट द रीजंस फॉर दीज चेंजेस, फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम्स ऑन ब्रेड। अब आपको पता करना कि फंगस आई कहां से ब्रेड में, तो फंगस कैसे आई देखिए। दीज चेंजेस अकर ड्यू टू द रोटिंग ऑफ ब्रेड, रोटिंग मतलब सड़ना, ब्रेड के सड़ने से। टाइनी स्पोर्स ऑफ फंगस कीप फ्लोटिंग इन द एयर, जो उसके स्पोर्स होते हैं वो हवा में हमेशा उड़ते रहते हैं। They start growing on the surface of bread as they get supportive conditions of dark and moisture. आपने उसको डब्बे में बंद किया तो darkness भी थी और moisture, पानी डाल के आपने उसको moist भी किया था। ठीक है, तो ये देखिए example, देखिए इस तरीके का color greenish black हो जाएगा उसका, और देखिए ये है, तो अगर आप इसको lens से देखेंगे तो देखिए इस तरीके का structure, grass जैसा structure, और ये जो गोल गोल है ये spores हैं। यही spores जो है वो हवा में हमेशा तैरते रहते हैं, जब उन्हें नमी मिलती है तो वो जम जाते हैं किसी भी चीज के ऊपर। Different kind of food item spoil due to different reason. Some food spoil soon, some stay good for long. कुछ जल्दी खराब होते, कुछ देर तक रहते, तो उनकी condition बताइए कि कैसे food जल्दी spoil होते हैं और खराब। Some seasons and condition in which food spoils quickly are. कौन कौन सी condition है जिसमें जल्दी खाना कुछ चीज खराब होती है। Rainy season having high moisture condition. Rainy season अभी इस समय ज्यादा fungus लगती है क्योंकि moisture content air में ज्यादा होता है, ज्यादा नमी होती है। समर सीजन हैविंग हाई टेम्परेचर कंडीशन, समर सीजन में ज्यादा टेम्परेचर होता है। कुक्ड फूड इज केप्ट ओपन, या तो कुक फूड को आप ओपन छोड़ दीजिए। मिल्क को आप नॉट बॉइल प्रॉपरली, मिल्क को प्रॉपर बॉइल नहीं करिए तो भी उसमें ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पिकल्स आर नॉट केप्ट सेफ फ्रॉम मॉइस्चर और एयर, पिकल्स को अगर आप ओपन एयर में रख देंगी, अगर उसको एयर टाइट में नहीं रखेंगे तो वो भी खराब हो जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हुआ कि किस तरीके से हमको चीजों को अच्छे से सेफली रखना है। ठीक है, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। अगले वीडियो में हम फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स देखेंगे।